हेलो मेरे भाई लोग, तो कैसे हो आप सब लोग। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में आपका नया सीजन स्टार्ट होने वाला है। देन गाइस, जैसे ही नया सीजन स्टार्ट होगा, उसमें से बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो पहली बार रैंक पुश कर रहे होंगे। और गाइस, आप में से बहुत सारों को ये नहीं पता है कि आपके लिए बेस्ट ड्रॉप लोकेशन कौन सी है। तो गाइस, आज के वीडियो में अपन ये डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट ड्रॉप लोकेशन कौन सी है और वहाँ पे गाइस आप कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हो और अच्छे खासे पॉइंट ले सकते हो। और गाइस, 7 दिनों के अंदर अंदर आप आराम से कॉन्करर लगा पाओगे। तो गाइस, बहुत सारी ऐसी लोकेशन, उनमें से गाइस मेरी सबसे फेवरेट लोकेशन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस, अब बढ़ते अपनी फर्स्ट बेस्ट ड्रॉप लोकेशन पे। और गाइस, ये मेरी सबसे फेवरेट लोकेशन है। और गाइस, यहाँ पे मैं हमेशा जाता हूँ। गाइस, यहाँ पे आप सोलो, डुओ, स्क्वाड किसी में भी अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो गाइस ये आपके लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। बट गाइस, यहाँ के डिसएडवांटेज मैं बता रहता हूँ। गाइस, यहाँ पे हैकर बहुत ज्यादा मिलेंगे और बहुत सारे बंदे भी आते हैं। तो गाइस, ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन जो कि मेरी और आप में से बहुत सारों की फेवरेट पोजीशन होगी। ये सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसका नाम है स्टेशन। तो गाइस, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पे पुश करना इम्पॉसिबल होता है, कितना भी बड़ा हैकर क्यों ना यहाँ पे गाइस पुश नहीं करेगा अगर आप इस बिल्डिंग में हो ना। तो गाइस, मान के चलो कम से कम आपको यहाँ पे बहुत देर तक होल्ड करना पड़ सकता है। कम से कम मान के चलो 3 से 4 जोन यहाँ पे आपको बैंडेज यूज करने पड़ेंगे। गाइस, अगर आपको इतना पेशेंस है कि हाँ यहाँ पे मैं 3 से 4 जोन वेट कर सकता हूँ, तभी गाइस इस वाली लोकेशन पे आना। बिकॉज गाइस, यहाँ पे आपको हर जगह बंदे देखने को मिलेंगे। तो गाइस, बढ़ते अपनी सेकंड बेस्ट ड्रॉप लोकेशन पे। तो गाइस, मान लो अगर आप सोलो में पुश कर रहे हो तो गाइस ये वाली पोजीशन आपके लिए सबसे बेस्ट है। बिकॉज गाइस, यहाँ पे आपको हमेशा गन मिलेगी मिलेगी और आपको एक व्हीकल भी देखने को मिल जाएगा। देन गाइस, यहाँ से लूट करके आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पे जस्ट एक और कंपाउंड है, वहाँ पे चला जाना अगर आपको अच्छी खासी लूट नहीं मिलती है। देन गाइस, वहाँ से लूट के सीधा आपको ये वाले कंपाउंड में आ जाना है। और गाइस, ये वाले कंपाउंड वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। बिकॉज गाइस, यहाँ पे हमेशा आपको M4 या फिर AK मिलती ही मिलती है। देन गाइस, वहाँ पे ये दोनों कंपाउंड लूट के अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरे पास लूट की कमी है, देन गाइस आप ये वाली पोजीशन पे आ सकते हो। बट गाइस, केयरफुली रहना, यहाँ पे आपको 90% चांस है कि बंदे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देन गाइस, यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब कि देख के पहले देखना कि बंदे हैं या फिर नहीं है, उसके बाद में ही यहाँ पे लूट के लिए आना। तो गाइस, ये मतलब कि सबसे बेस्ट पोजीशन है सोलो के लिए। बट गाइस, स्क्वाड के लिए ये इतनी कोई खास नहीं मानी जाती है। डुओ में भी यहाँ पे आप आ सकते हो इजी तरीके से। तो भाई लोग, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। बिकॉज गाइस, आपको पता है मैं डेली यहाँ पे रैंक पुश के गेम प्ले डालता हूँ। गाइस, मैंने इस सीजन मैंने दोनों में कॉन्करर किया, सोलो डुओ में, और बहुत सारों के अलग से मैंने पुश भी किया। देन गाइस, आपके लिए डेली की टिप्स एंड ट्रिक भी मैं लाता रहूँगा। इसके लिए गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और गाइस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो गाइस, बात करते हैं अपनी थर्ड बेस्ट ड्रॉप लोकेशन के बारे में। तो गाइस, जैसे आप प्रिजन के पास में आते हो तभी गाइस आपको ये 4 हाउस देखने को मिल जाएंगे। और गाइस, यहाँ पे लूट वन ऑफ द बेस्ट मिलती है। और गाइस, साथ ही में लूट के साथ ही आपको एक व्हीकल भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और गाइस, यहाँ पे अच्छी खासी हेल्थ और गन देखने को मिल जाएगी। बट गाइस, फिर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी लूट कंप्लीट नहीं हुई है, देन गाइस आप नीचे वाले ये घर है यहाँ पे आ सकते हो, इजी यहाँ से आके लूट कर सकते हो। और गाइस, तब भी लगता है कि यहाँ पे भी आपकी लूट कंप्लीट नहीं है, अभी आपको और भी लूटना है, देन गाइस जस्ट आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 हाउस देखने को मिलेगा। और गाइस, इन 3 हाउस में जैसे आप लूट करोगे तो आपकी 100% लूट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपको कहीं पे भी लूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप ज़्यादा लूट करने जाओगे तो गाइस हो सकता है कि आपके माइनस लग जाए, यहाँ आके आप आराम से होल्ड कर सकते हो लूट करके और ऑलमोस्ट आपकी लूट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस, अब अपन बात करते हैं अपनी फोर्थ ड्रॉप लोकेशन के बारे में। और गाइस, ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है डुओ के लिए। सोलो के लिए गाइस इतनी खास मैं नहीं बोलूंगा। बिकॉज गाइस, यहाँ पे आपको व्हीकल देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर चांस में आपको यहाँ पे व्हीकल देखने को मिलता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे बंदे ऑलरेडी आते हैं, बहुत सारे बंदे यहाँ पे आते हैं। देन गाइस, ये इतनी मतलब की अच्छी पोजीशन नहीं है सोलो के लिए। बट गाइस, यहाँ आके आप आराम से लूट कर सकते हो। अगर गाइस प्लेन का पाथवे 2000 मीटर के आसपास में, तो गाइस ये दोनों कंपाउंड में आप आराम से आके लूट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छी खासी लूट भी देखने को मिल जाएगी। और गाइस, हो सकता है कि यहाँ पे आपको व्हीकल भी देखने को मिलेगा, बट उसके लिए जस्ट आपको थोड़े से ऊपर वाले रोड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऊपर जस्ट रोड देख रहे हो, उसी रोड पे आपको व्हीकल भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस, अब बात करते हैं अपनी फिफ्थ पोजीशन के लिए जो कि वन ऑफ द बेस्ट है डुओ के लिए। गाइस, अगर आप यहाँ पे सोलो में आते हो तो गाइस यहाँ पे आपको बंदे देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज गाइस, ये अच्छे खासे कंपाउंड, यहाँ पे अच्छी खासी लूट मिलती है। देन गाइस, यहाँ पे अच्छे खासे बंदे आते हैं। तो गाइस, ये वाली देख सकते हो कौन सी पोजीशन है। ये वाली देखो, मैं अपने मार्क रखा हूँ मैं कहाँ पे पोजीशन है। ये वाले दोनों कंपाउंड आप आराम से आके लूट सकते हो। और गाइस, ये वन ऑफ द बेस्ट है डुओ के लिए अभी बता रहा हूँ। बट गाइस, यहाँ का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको व्हीकल देखने को नहीं मिलेगा। व्हीकल के लिए आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत बेजामारी करनी पड़ सकती है, इसलिए गाइस यहाँ पे थोड़ा आपको
अर्ली रोटेशन भी लेना पड़ सकता है बिकॉज गाइस यहाँ पे व्हीकल बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जैसे गाइस ये वाले कंपाउंड लूट तो उसके बाद में जस्ट पास वाले और भी कंपाउंड है, यहाँ आके आप लूट सकते हो या फिर मतलब एक बंदा यहाँ पे जा सकता है, एक बंदा यहाँ आके आराम से इजी लूट सकते हो। अगर आप डुओ में पुश कर रहे हो तो गाइस यहाँ पे आप आराम से आ सकते हो, बट अगर सोलो में पुश कर रहे हो तो मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे हो बिकॉज यहाँ पे व्हीकल के बहुत ज़्यादा सीन होते हैं। तो गाइस अपनी नेक्स्ट ड्रॉप लोकेशन है 70 के पास में, जैसे ही आप आते हो तभी गाइस यहाँ पे मेरे मार्क देख सकते हो ये वाले कंपाउंड। तो गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है सोलो के लिए, अगर आप सोलो में पुश कर रहे हो तो ये वाले कंपाउंड में आ सकते हो। गाइस जैसे ये वाले कंपाउंड लूट लोगे उसके बाद में गाइस यहाँ के जो एडवांटेज है ये है कि यहाँ पे आपको 100% व्हीकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी है कि आपको इस रोड पे व्हीकल देखने को मिल जाएगा। और गाइस वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड है, आराम से अच्छी खासी लूट कर सकते हो, अच्छी खासी यहाँ से गन लूट के आपको क्या करना वो मैं बताता हूँ। तो गाइस जैसे ये वाले कंपाउंड लूट लो तो आपकी जैसी ऑलमोस्ट अगर लूट कंप्लीट नहीं हुआ तो जस्ट आपके थोड़ा सा आगे जाना, आगे आपको थोड़े बहुत कंपाउंड देखने को मिलेंगे, वो वाले कंपाउंड भी आप लूट सकते हो। बट गाइस यहाँ पे आपको केयरफुली रहना पड़ेगा बिकॉज गाइस यहाँ पे भी बंदे आते हैं, कुछ बंदे यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बट गाइस जैसे वहाँ से आप लूट कंप्लीट करोगे वैसे गाइस जस्ट आप थोड़ा सा आगे होगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे कंपाउंड देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको बंदे ना के बराबर देखने को मिलते हैं और गाइस यहाँ पे आपको व्हीकल भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस वाले कंपाउंड में आते हो तो यहाँ से थोड़ा बहुत लूट मिल जाएगा और वहाँ से लूट के सीधा आपको इस वाले कंपाउंड में आ जाना है। यहाँ पे गाइस आपको फ्लेयर गन भी देखने को मिल जाती है और गाइस यहाँ पे अच्छे खासे बोट भी आ जाते हैं, देन गाइस आराम से आप किल भी यहाँ पे निकाल पाओगे। तो गाइस अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भी आपकी लूट कंप्लीट नहीं हुई है तो गाइस जस्ट इसके आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक दो घर और देखने को मिल जाएंगे और गाइस उन घर के बाद में आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे आती आपकी पूरी की पूरी लूट कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस बात करते हैं अपनी 7th ड्रॉप लोकेशन के बारे में, जो गाइस ये वाले कंपाउंड है वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन होती है सोलो के लिए और गाइस बोट के लिए। अगर यहाँ पे आते हो तो आपको 100% एक से दो बोट देखने को मिल जाएंगे और अच्छी खासी लूट भी मिल जाएगी। बट गाइस यहाँ पे भी सीन होते हैं व्हीकल के, अगर आपके पास व्हीकल है तो आप आराम से यहाँ आके लूट कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पे आके आपको आगे और कहीं लूट करने के लिए नहीं जा सकते, बस जितना भी लूट होगा यहाँ पे आपको करना पड़ेगा और एक दो की यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे। तो गाइस ये वाले कंपाउंड अच्छे खासे थे, बट गाइस यहाँ पे आप डुओ में मत आना, हो सके तो सोलो में ही आना, सोलो में अच्छी खासी यहाँ पे लूट मिल जाती है। तो गाइस जब बात करते हैं अपनी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन जो कि गाइस एंड जोन में बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली, अगर आपको लगता है कि 4th और 5th जोन यहाँ पे कट रहा है तो एंड जोन 100% इन घरों के आसपास ही कटेगा, तब गाइस क्या करना है आपको यहाँ पे सिंपल सा आ जाना है और गाइस इस 3 स्टोर की छत पे चले जाना है। अगर आप सोलो में पुश कर रहे हो, डुओ में पुश करो, किसी में भी करो, सिंपल सा छत पे चले जाओ। छत पे जाने के बाद में जो आपको किल मिलेंगी गाइस, मतलब कि नेक्स्ट लेवल किल मिलने वाले, छत पे कैसे जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस सिंपल सा आपने देख लिया कि लेस ग्रेव से सीधा आप यहाँ पे आ जाते हो, आपको सिंपल सा एक जंप लगाने की जरूरत होती है, जैसे जंप लगाओगे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे और सीधा आप छत के ऊपर आ जाओगे। और यहाँ पे आने के बाद में आपको जो व्यू मिलता है गाइस एक नेक्स्ट लेवल व्यू मिलेगा, यहाँ से आपको पता है बहुत सारी गाड़ियाँ भी होती है वो रोटेशन देती है, देन गाइस आप आराम से किसी भी बंदे को गिरा सकते हो। अगर आप डो में भी पुश करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन होती है ये वाली, तो आप यहाँ पे आराम से होल्ड कर सकते हो, कैम्प कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ आपको नीड से मार सकता है, कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना करो, जिसके पास सारी गेमों मतलब कि कितना भी स्पीड है सब क्यों ना, अगर आप यहाँ पे आ जाते हो ना तो गाइस वो बंदा सिर्फ आपको नीड से मार सकता है या फिर मॉली से मार सकता है, उसके अलावा और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होगा आपको मारने का। तो गाइस आपको इस एरेंगल मैप में और भी ऐसी बहुत सारी ड्रॉप लोकेशन देखने को मिल जाएगी जहां पर आप जाते हैं। तो गाइस मैं आपको प्रीफर नहीं करता कि आप मेरी पोजीशन पे जाओ, मैंने जो आपको जो ड्रॉप लोकेशन बताई उन्हीं पे जाओ, बिकॉज वहां पे मेरे को पता है कि यहां पे बहुत सारे डिसएडवांटेज है, हैकर का बहुत सारा रिस्क रहता है, देन गाइस उनको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। और गाइस जो मेरे को बेस्ट पोजीशन लगी, जो बेस्ट लोकेशन लगी, वही गाइस मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो गाइस मेक श्योर कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करोगे।